नमस्कार फ्रेंड। तो आज काफी लेट हो गया यार, 10:15 बज गया। अभी घर पे हूँ तो अभी नहा वगैरह रहा हूँ, तो अभी नहा के ही आया हूँ। ऊपर से अभी व्हाइट शर्ट पहन लूंगा मैं, तो तेल वगैरह भी नहीं लगाया अभी। तो खाना खाने बैठा हूँ, खाना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद सर में थोड़ा सा तेल वगैरह लगा के फिर निकलता हूँ। तो खाने में आज क्या मिला है, 10:20 हो गया। खाना आज अपने पास वही अपना फेवरेट मूंग मटकी लाया था। कल काम से आते समय सुबह ही मैं मूंग मटकी ले लिया। मूंग मटकी काफी हेल्दी, काफी टेस्टी, मेरा फेवरेट है। 3 वाटा लिया था मैंने, सिर्फ 30 रुपए में लिया था मैंने। 3 वाटा पूरी फैमिली खा सकती इतना है, लेकिन वो 30 रुपए के मटेरियल में भाई यहाँ 300 का माल चले जाता है। देसी घी में बनाया हुआ है, शुद्ध देसी घी में एकदम बनाया हुआ है। देखो फ्रेंड्स, ये देसी घी ओनली यूज किया गया, पानी बहुत ही कम यूज किया है। देसी घी में मूंग मटकी की दाल और पुलाव, 2 रोटी, पापड़ और प्याज, ये यही मेरा खाना है। करीब आज यहाँ से घर से निकलते निकलते मुझे 11 बज जाएगा, और CNG वगैरह भर के 11:30 से ज्यादा हो जाएगा, यानी मैं सीधा एयरपोर्ट निकलने वाला हूँ। 12 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और एयरपोर्ट से ही आज बुकिंग लेने वाला हूँ। बीच में बुकिंग नहीं लूंगा क्योंकि आज एक लंबी बुकिंग और सर्च बुकिंग पहली मांगता है, क्योंकि लेट निकल गया हूँ। अगर जल्दी निकलता तो छोटे छोटे बुकिंग ले लेता, लेकिन लेट निकला हो तो पहली बुकिंग लंबी चाहिए ही चाहिए, प्लस 600-700 तो पहली बुकिंग होनी चाहिए, जिससे अपना काम अच्छा हो जाता है। कभी भी याद रखो, आप पहली बुकिंग हो सके जितना कि लंबी बुकिंग लो, अच्छी बुकिंग लो। अगर आप लेट निकलते हो काम पे, तो अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा है, तो आप छोटे छोटे सर्च बुकिंग ले सकते हो। अगर नॉर्मल बुकिंग ले रहे हो तो पहली बुकिंग लंबी बुकिंग ही लेने का ट्राई करो। तो फ्रेंड, CNG भर लिया हूँ, 535 रुपए का CNG भर रहा हूँ। पहले से CNG था, CNG फुल हो चुका है और टैंक को रिसेट कर दिया हूँ। देखो, और मेरी जो गाड़ी अभी तक चली, आप लोग पूछ रहे हो टोटल कितना चली है, तो वो दिखा देता हूँ। 1 साल में मैंने कितना गाड़ी चलाया है, 55,476 किलोमीटर गाड़ी चलाया है, क्योंकि मैं डेली काम करता नहीं हूँ, हफ्ते में 2 दिन मेरा गैप रहता है। 59,000 किलोमीटर चलाया हूँ, 60,000 किलोमीटर गाड़ी, नहीं, 55,000 किलोमीटर चला है। ये तो 6,000 किलोमीटर है सर्विसिंग के बाद, यानी 6,000 किलोमीटर सर्विसिंग हो गया, 4,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी वापस सर्विसिंग कराऊंगा। और हो रहा है 11:37, और यहाँ से करते हैं डिवाइस ऑनलाइन और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, अच्छी बुकिंग लेने का ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से कोई अच्छी बुकिंग मिल जाता है लंबी, तो ले लेंगे, नहीं तो सीधा एयरपोर्ट निकलेंगे। फ्रेंड्स, जनता काम शुरू करते हैं और एकदम रापचिक बूम बाम करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बूम बाम लिख दो भाई, इतना वीडियो देख ही चुके तो बूम बाम कर दो, और लास्ट तक वीडियो देखना पूरी, कितनी अर्निंग हुआ, क्या काम हुआ, कैसे हुआ, अभी बताऊंगा। कुछ जानकारी वाली बात रहेगी तो वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा जनता। चलो स्टार्ट करते हैं बूम बाम। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आ गया हूँ मैं वैशाली नगर दहिसा रिस्ट में, और यहाँ पे ओला उबर की गाड़ियां भी नहीं होती है। तो यहाँ देख लो आप लोग भाई, एकदम सुनसान, कोई दिख रहा आपको? कोई नहीं, पूरी गाड़ियां एकदम से धूल पड़ी हुई, खारी गाड़ियां खड़ी है। और यहाँ पे गाड़ी लगा दिया हूँ मैं, जो बुकिंग लगा था मुझे एयरपोर्ट पे था, तो यार काफी टाइम आज हो गया था, पता ही आपको। तो एक बुकिंग आता है दहिसा रिस्ट का, तो मैं ले लिया वैशाली नगर दहिसा रिस्ट का। मैं बोला चलो ले लेता हूँ, फिर कुछ ठीक दिखा रहा है। 400 रुपया मिल गया मुझे 22 किलोमीटर का, 12:35 की बुकिंग थी। तो तीसरी बुक, 3 बुकिंग नजदीक का नहीं उबर उठाया, चौथी बुकिंग उठाना ही पड़ा, नहीं उठाता तो फिर टोकन पीछे चला जाता, और 12:30 ऑलरेडी बल चुका था, तो कब तक बुकिंग आता। तो मैं बोला उठा लेता हूँ, और मुझे नींद करीब 9:30 या 9 बजे सो के उठा मैं, फिर भी मुझे नींद आ रहा है, सर भारी सा लग रहा है। तो फ्रेंड मैं सोचा यार ले लेता हूँ बुकिंग दहिसर का, 20 किलोमीटर आधा घंटा लगा मुझे, 35 मिनट लगा है, पैसेंजर को ड्रॉप किया, पहली बुकिंग यहाँ पे कंप्लीट। तो आज सो जाता हूँ, तो आज तो काम कम होने वाला है, क्योंकि भाई साहब अभी 2 बजने आ गया और सिर्फ 1 बुकिंग हुआ है, 400 का काम हुआ है। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे सो लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सर थोड़ा सा ऐसा भारी सा लग रहा है मुझे, और नींद सा आ रहा है, तो पहले नींद पूरी करता हूँ। कम से कम 2 घंटा यहाँ सोता हूँ और बुकिंग का वेट करता हूँ। अगर बुकिंग आ गया एयरपोर्ट वगैरह का तो ले लेंगे, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा एयरपोर्ट लगने वाला नहीं है, रोड एकदम खाली है, पूरा भी ट्रैफिक आज रोड पे है नहीं, पूरा के पूरा रोड खाली है। तो सोमवार की रात है आज, तो रोड खाली रहता है, मंगलवार हो चुका है क्योंकि 12 बज चुका है, और जो तारीख है भाई साहब वो आज 12 दिसंबर हो चुका है, 11 दिसंबर की रात में मैं काम पे निकला था। तो देखते हैं आज काम होने वाला है, 2,500 का टारगेट पूरा होता है या 2,000 का टारगेट पूरा होता है, वो समय आने पर ही पता चल जाएगा। तो फ्रेंड घर पे आ गया हूँ, काम कुछ खास नहीं था आज, लेट निकलने का नुकसान हुआ मुझे टोटल। अभी आने जाने में घर से पूरा समझ लो 11 घंटे काम मैंने कर लिया, और जो काम हुआ है केवल 1900 रुपए का हुआ है, 500 की CNG चली गई। तो दहिसा रिस्ट में था मैं, तो बुकिंग बजा ही नहीं दहिसा रिस्ट में, करीब सुबह के 6 बजे तक वहां रुका रह गया, बुकिंग नहीं बजा, सो भी गया, डिवाइस ऑनलाइन रहा, लेकिन कोई बुकिंग नहीं बजा कि डिवाइस में उठाऊ। इतनी अच्छी जगह से जहाँ हमेशा बुकिंग मिलता था, वहां से बुकिंग नहीं मिला, अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई साहब। जहां से बुकिंग मिलना ही था वहां पे गाड़ियां नहीं होती, खाली रहता है, लेकिन वहां पे गाड़ियां नहीं मिली, क्या तो आवाज आया।
और ओला तो भाई साहब बज ही नहीं रहा, ओला का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुकिंग्स बहुत ही कम हो गया, या बुकिंग्स दे नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा ओला का क्या मालूम क्या है। तो उबर की बात कर लेता, दहिसर में था, दहिसर से बुकिंग नहीं हुआ, तो धीरे धीरे मूव किया बोरीवली ईस्ट गया, वहां भी बुकिंग नहीं गया बचा, बोरीवली वेस्ट गया, तो बोरीवली वेस्ट से तुरंत मुझे कल्याण का बुकिंग लगता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बोला भाई लेके चलो, दहिसर वेस्ट था वो, फिर से घूम के वो दहिसर वेस्ट, बोरीवली वेस्ट गया, फिर वहां से दहिसर वेस्ट पकड़ लो उसको, एक बुकिंग लगता है मुझे भाई कल्याण गौरीपाड़ा का, मेरे ले लो भाई साहब 7:02 पे बुकिंग लगा मुझे वो, यानी करीब रात में मैं कितने बजे गया था, 2 लगभग मैं पहुंचा था वहां पे, 5 मतलब बुकिंग नहीं मिला, 5 बाद बुकिंग मिला है, 7:02 पे बुकिंग मिलता है मुझे दहिसर वेस्ट से कल्याण गौरीपाड़ा का, हालांकि 45 किलोमीटर का 640 रुपये टोल के साथ मुझे मिला है, 45 किलोमीटर का 640 रुपये देखो। उसके बाद कल्याण पहुंचते बुकिंग लग गया मुझे थाने वेस्ट का, मैं बोला चलो भाई थाने वेस्ट का बुकिंग तुरंत लग गया मुझे, पहले तो एक बुकिंग आया था डोंबिवली कहाँ का, उससे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद थाने का बजा, और वो बजा कहाँ से, मैं खड़ा था गौरीपाड़ा में बीके बिरला कॉलेज के पास, और बुकिंग आई उल्लासनगर से, इतना दूर जाना पड़ा पिकअप, मैं बोला भाई ले लो जहां से आई वहां से, 30 किलोमीटर का 415 रुपया मिला, 9:15 बुकिंग आई थी, ये देखो फ्रेंड 9:15 रुपया मिला थाने वेस्ट जाने के बाद, एक बुकिंग आती है मुझे, बुकिंग था बेलापुर का, मैंने एक्सेप्ट किया, पैसेंजर के लोकेशन पे भेजा, पैसेंजर बोलता भाई मैं दूसरी जगह हूँ, वहां ने वो लोकेशन गलत हो गया, साई हॉस्पिटल है तो किशन नगर चिकनाका वाला साई हॉस्पिटल आ जाओ, तो वहां तक गया भाई 15 लग गए, पैसेंजर ने बताया ऐसे ऐसे, जब घुसा ना पतली सी गली हो किशन नगर उधर, किशन नगर में बहुत सारे ऐसी जगह जहां पतली पतली गली और रिक्शा वगैरह, लोकमान नगर भी उसमें से एक है, तो पैसेंजर बाहर आने का नाम नहीं ले रहा, मैं वही कैंसिल किया और निकला वहां से, भाई नहीं लेना बुकिंग, सीधा बोलता भाई बाहर आ रहे हो कि नहीं, बोलता सर पेशेंट है नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा तो जाओ, मैंने कैंसिल कर दिया बुकिंग, गाड़ी अंदर जाने लायक था ही नहीं, कैसे लेके जाता कंजेशन में, मेन रोड पे तो गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही है अंदर घुसाने के लिए, बोले कैंसिल किया, वहां से निकला चिकनाका पे, जैसे ही आया मुलुंड से मुझे एक बुकिंग लगता है मझगांव का, एक्सेप्ट कर लिया, मैं बोला मझगांव फ्रीवे वे से जाऊंगा और तुरंत घर पे आ जाऊंगा, 32 किलोमीटर का 417 रुपया मुझे मिला है, ये देखो फ्रेंड, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 बुकिंग, 1900 का टोटल काम हो गया, 45 रुपए टोल रिफंड आया था, 1900 का काम हो गया, 500 की सीएनजी चली गई और घर पे आ गया, तो 500 का सीएनजी निकाल दो 1400 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया, जिसमें से 200 रुपया मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब कुछ निकाल दो, 1200 रुपया शुद्ध प्रॉफिट करके आ गया मैं घर पे। तो यही बात था भाई, कभी धंधा अच्छा होता कभी अच्छा, लेकिन मेरा लेट निकलने का नुकसान था ये, आज भी शायद लेट हो जाऊं यार, देखता हूं जल्दी निकलने का टाइम कोशिश करूंगा, और 2500 का टारगेट आज रात में फिर लेके चलूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, मेरे बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि ओला उबर में बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, तो जो भाई नए हैं उनके लिए बात है कि ओला उबर में बिजनेस आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो पहले बात तो भाई साहब देखो, अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले पूरी पीसीसी चाहिए, पुलिस से वेरिफिकेशन चाहिए, एजेंट लोग सब करके दे देते हैं, आप एजेंट से करवा सकते हो, आपके पास आपका आईडी कार्ड तो होना चाहिए, बैंक डिटेल होना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट हो करंट अकाउंट हो मैटर नहीं करता, सेविंग्स अकाउंट रहना चाहिए समझ लो एक तरह से, उसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सब बोलते हैं भाई मेरे पास LMV नॉन TR है, तो भाई TR हो चाहे नॉन TR हो वो मैटर नहीं करता, आपका लाइसेंस आप लाइट व्हीकल मोटर व्हीकल लाइट व्हीकल चला सकते हो आप नॉर्मल लाइसेंस पे, ठीक है TR लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जो कंपलसरी है वो बैज है, मुंबई में, मुंबई की बात कर रहा हूँ बाकी का भाई आइडिया नहीं है, मुंबई में आपको PSV बैज बनाना पड़ता है, PSV मतलब परविस पब्लिक सर्विस व्हीकल, जो अपने पब्लिक सर्विस व्हीकल में आता है ना 2R TR गाड़ी, तो पब्लिक सर्विस व्हीकल का जो बैज होता है वो अपने को बनाना पड़ता है, जैसे देखो मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी है ना काली पीली, उनका बैज होता है, पहले वो पित्तल का मेटल का आता था, फिर येल्लो कलर का कागज का प्रिंट वाला आने लगा, अब लाइसेंस ही PSV आने लगा, लाइसेंस नंबर के साथ अब PSV बैज आने लगा, ताकि दूसरा कोई उसे यूज नहीं कर सकता, दूसरे किसी को अब बैज नहीं दे सकते, लाइसेंस के साथ अब आने लगा, ठीक है फ्रेंड ये हो गया अभी। तो जैसा कि कल बताया मैंने PSC बैच के लिए गया था, 2-4-5 में मेरा PSC बैच आ जाएगा, मेरे पास अभी PSC बैच नहीं है, मेरे पास जो लाइसेंस है वो TR है, नॉन TR मैटर नहीं करता, मैं 1.5 से जो गाड़ी चला रहा हूँ बिना बैच के ही चला रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, हालांकि कभी अगर पकड़ा जाऊंगा RTO का तो फाइन पड़ सकता है, 5000 रुपए तक फाइन है बैच का।
तो स्टार्ट करने के लिए आप लोग जान लो पीएसयू बैज बनाने के लिए डाल दो आप पहले, तो बाद में बहुत जरूरी है भाई साहब, मैंने इसका महत्व समझ लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। पीएसयू बैज बनवा लो, उसके बाद एजेंट के पास जाओ, ओला उबर का जो भी एजेंट है भाई उसके पास जाओ आप। पहले आप आईडी बनवाओ, ओला की उबर की आईडी आपको पहले बनानी पड़ेगी। आप ओला उबर की गाड़ी आईडी बन गई आपकी, तो उसके बाद आप दूसरे की गाड़ी भी चला सकते हो। दूसरे की गाड़ी चलाने के लिए आप दूसरे की आईडी से गाड़ी नहीं चला सकते हो, ये भी याद रखना। ओनर जो ओला उबर का एक ऐप होता है ना, तो ओला उबर का एक और ऐप होता है जो ओनर रहता है गाड़ी किसी ड्राइवर को चलाने के लिए देता है, उसका एक अलग ऐप होता है। ओला का ओला ऑपरेटर होता है, उबर का उबर फ्लीट होता है, जिसमें मेन जो ड्राइवर होगा ओनर होगा वो अपना आईडी उसमें पहले ऐड रखेगा, अपना गाड़ी ऐड करेगा, उसके बाद आपको ड्राइवर की तरह हायर करके उसी ऐप में आपको फ्लीट के जरिए आपको ऐड करेगा। तो आप उसके ऐप में आपका ड्राइवर आपका ओला उबर आईडी होना चाहिए, आप दूसरे की गाड़ी चलाना चाहते हो तो भी आपकी ओला उबर आईडी होनी चाहिए, एक्टिवेट होनी चाहिए, बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। तो वो अटैच करके अपने ऐप में ओला ऑपरेटर में देगा, फिर आप उसकी गाड़ी चलाओगे और वो बराबर नजर रख सकते हैं आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, उस ऐप के जरिए बराबर ट्रैक करता रहेगा, आप बुकिंग कैंसिल कर रहे हो कुछ भी, सब कुछ उसे डेटा ओनर के पास रहेगा। तो ये होता है, ओला उबर आईडी बना लो, उसके बाद गाड़ी बेस्ट कार कौन सा है। तो भाई देखो, बेस्ट कार अभी मैं मुंबई के हिसाब से बताऊं तो वैगनार बेस्ट है। सेडान भी अच्छा है, लेकिन सेडान लोग मिनी बुकिंग ही कर रहे हैं, तो उससे अच्छा वैगनार अच्छा काम करके दे रहा है। अच्छा काम, देखो भाई काम कभी कम कभी ज्यादा होता है, मैंने आज देखो बता दिया आपका, सिर्फ 1900 का काम किया, मैंने 10-11 घंटा हो गया मुझे, हालांकि मैं रात में चलाता हूँ, मुझे कुछ और काम रहता है, 5 घंटे तो सोया भी रात में आराम से, तो मेरा नींद यहीं पे हो जाता है पूरा, 2 से 4 यही मैं नींद डेली का मेरा रूटीन है। मैं रात में गाड़ी भी चलाता हूँ और सोता भी हूँ और थोड़ा सा घर पे भी नींद पूरा करता हूँ, ऐसा मेरा रूटीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें रही, तो बेस्ट कार मैंने बता दिया आपको वैगनार। उससे भी बेस्ट अगर आपको चाहिए इंटरसिटी वगैरह आपको बुकिंग करना है, आपको मुंबई पुणे मुंबई नासिक ये सब बुकिंग करना है, तो वन टाइम थोड़ा सा 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप स्विफ्ट डिजायर ले लो मारुति का, या फिर औरा ले लो, हुंडई का औरा ले सकते हो आप, बेस्ट गाड़ी है औरा भी, फुल्ली लोडेड गाड़ी आता है, डिजायर से कम दाम में फुल्ली लोडेड गाड़ी आ जाता है, तो औरा भी अच्छा है, उसका बूट स्पेस भी थोड़ा डिजायर से बढ़िया है, एवरेज थोड़ा डिजायर से कम है, बस एवरेज थोड़ा सा मैटर करता है, थोड़ा सा एवरेज कम है और मारुति का मेंटेनेंस थोड़ा सा कम है, ये भी याद रखो। तो जो भी अच्छा लगे आपको गाड़ी ले सकते हो, औरा या डिजायर। और रही बात मुंबई के बाहर, लोग पूछते हैं बेस्ट कार लखनऊ के लिए कौन सा है, इंदौर के लिए कौन सा है, तो भाई देखो लखनऊ के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वैगनार नहीं, आप लखनऊ में रहते हो तो सेडान गाड़ी लो, क्योंकि वहां लोकल भाड़ा से ज्यादा इंटरसिटी बुकिंग्स मिलती है, लखनऊ टू कानपुर, कानपुर वाराणसी इस तरह की बुकिंग्स आती है, लंबे लंबे आती है, और रोड वगैरह भी कुछ गांव वगैरह की बुकिंग्स आ जाती है, तो रोड वगैरह अच्छे नहीं है, तो कंफर्ट राइड मांगता है, तो उसके लिए आप सेडान गाड़ी लो। आप मुंबई से मतलब जो मेन मेट्रो सिटीज के बाहर हो, आप जो इंडिया के 4-5 मेट्रो सिटी हो, मेट्रो सिटी से अगर बाहर के शहर में रहते हो तो आपको मैं प्रेफर करूंगा आप सेडान कार लो, स्विफ्ट डिजायर लो या तो फिर औरा लो, और सीएनजी प्लस पेट्रोल में लो। ठीक है, सीएनजी आपके शहर में है तो सीएनजी लो, अगर आपके शहर में सीएनजी नहीं है तो सीएनजी मत लो, कोई फायदा नहीं, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा। ठीक है फ्रेंड, अगर सीएनजी है आपके शहर में तो ही सीएनजी लेना, नहीं तो सीएनजी मत लेना, बिना सीएनजी वाली गाड़ी का भी बहुत फायदा है, 1 लाख रुपए सस्ती मिलेगी, प्लस आपको बूट स्पेस मिलेगा, गाड़ी लोडेड कम रहेगी आपकी। ठीक है, बहुत ही फायदा रहता है, तो ये सब चीजें ध्यान से आपको गाड़ी खरीदना है। तो आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करता हूँ, ज्यादा ज्यादा इतना कहूंगा भाई साहब, काम तो कम हुआ है लेकिन तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिया, क्योंकि मैं टेंशन फ्री होकर काम करता हूँ, ज्यादा हाई मारी नहीं करता, क्योंकि भाई साहब मेरे गाड़ी पर लोन नहीं है, कैश गाड़ी है, मेरा कुछ और भी काम है, तो जिसकी वजह से मैं सर्च के चक्कर में नहीं भागता हूँ, आराम भी कर लेता हूँ रात में, नींद वगैरह में एकदम गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं, आराम नींद आ रही है तो गाड़ी खड़ी करके मैं सो जाता हूँ, ये मेरा रूल्स है। तो जाते जाते इतना कहूंगा, जनता कमेंट में लिख दो बूम बम, आज तो बूम बम लिख दो भाई, काम की बातें बता दिया हूं। और जाते जाते लाइक वगैरह कर दो, और जो भाई ने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो आती है मेरा, एक दिन छोड़ के कभी एक दिन भी आ सकता है, लेकिन डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ, ओला उबर के बारे में पूरी जानकारी स्क्रीनशॉट के साथ दिखाता हूँ आपका, डेली का डेली काम कितना है, काम कैसा है मुंबई में, आप काम अप है डाउन है सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए भाई साहब, बाय बाय, बूम बाम जनता, बूम बाम।